इंस्टाग्राम पर दिन पे दिन यूजर्स बढ़ते ही जा रहे हैं, पर क्या उनमें से सभी ग्रो कर पाते हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन आज मैं आपको एकदम प्रो वाली टिप्स देने वाला हूँ, जिससे कि आप भी मेरी तरह मिलियंस में व्यूज ला सकते हैं। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो अभी हम इंस्टाग्राम पर दो चीजें अपलोड कर सकते हैं, एक फोटो और एक रील। पहले बात करेंगे कि फोटो को कैसे बूस्ट करें इंस्टाग्राम पर। तो फोटो वायरल कैसे होता है? तो इसका सबसे बड़ा फैक्टर होता है सेशन टाइम, यानी वॉच टाइम। आपने फोटो अपलोड किया, सामने वाले बंदे के पास गया, अब वो बंदा उसको देखकर स्क्रॉल कर देता है या फिर वहाँ पर रुक जाता है, ये चीज मैटर करती है आपके फोटो के साथ। अब वो बंदा रुकेगा क्यों, हमको फालतू में क्यों देखेगा, क्योंकि हम कोई सेलिब्रिटी नहीं है। तो हमारी पोस्ट में कुछ बात होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरी पोस्ट में जो बात है वो है एडिटिंग। यही प्लस पॉइंट है जिससे सामने वाला बंदा रुक जाता है। अब अगर आपको एडिटिंग नहीं आती है तो मेरे चैनल पर बहुत सारे ट्यूटोरियल्स भी डले हुए हैं। प्लस मैंने 399 में मोबाइल फोटो एडिटिंग का कोर्स लॉन्च किया है, जो कि आप नीचे दिए हुए इस नंबर पर व्हाट्सएप करके खरीद सकते हैं। तो अब आपकी कलाकारी देखकर सामने वाला बंदा रुक गया। अब वो रुक गया तो आपको मिल गया वॉच टाइम। अब वो रुका है तो जाहिर सी बात है कि आपकी पोस्ट उसको पसंद आई है, और पसंद आई है तो वो लाइक भी करेगा, और अगर उसमें कुछ ज्यादा ही खास बात होगी तो वो उसको सेव भी कर लेगा, ताकि वो फ्यूचर में उसको कभी भी देख सके। प्लस अगर उसको ये आपका कॉन्टेंट पसंद आ गया तो वो आपकी प्रोफाइल विजिट करेगा और आपको फॉलो भी कर ले। इसके बाद पोस्ट करते टाइम आपको सिर्फ 4 से 5 ही हैशटैग्स यूज करने, वो भी आपकी पोस्ट से बहुत ही ज्यादा रिलेटेड होना चाहिए। जैसे कि मान लो आपकी पोस्ट में एक कार है तो हैशटैग कार, मान लो कि आपने फोटो एडिट किया है तो हैशटैग एडिटिंग, मान लो कि आपने एडिटिंग की है लाइट रूम में तो हैशटैग लाइट रूम। इससे होगा क्या कि जो हैशटैग्स आपने अपने फोटो के अकॉर्डिंग यूज करे हैं जो फोटो में है, तब वो फोटो जो रीच करेगी ना, वो उस ऑडियंस के पास जाएगी जिस ऑडियंस को आपके फोटो की जरूरत है। अब मान लो कि आप कुछ उल्टे सीधे हैशटैग्स को यूज कर लेते हैं तो वो फोटो उल्टी सीधी ऑडियंस के पास चला जाएगा, जिससे होगा क्या कि वो लोग आपकी पोस्ट में इंटरेस्टेड होंगे ही नहीं, जिससे कि आपका वॉच टाइम भी खराब हो जाएगा, सब कुछ खराब हो जाएगा और आपका फोटो वहीं के वहीं पड़ा रह जाएगा। तो अब चलते हैं रील्स की तरफ। रील्स को वायरल करने में आपको क्या ध्यान में रखना है? देखो, लंबी वीडियो और छोटी वीडियो में बहुत ज्यादा फर्क होता है। रील्स में हमारे पास बहुत कम टाइम होता है ऑडियंस को रोकने के लिए, जरा सी भी फालतू बकवास की तो सामने वाला बंदा फौरन से हटा देगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला ये है, सीधे मुद्दे की बात करो, मुद्दा खत्म करो और निकल लो, यही है आपकी रील को वायरल करने का फॉर्मूला। अब यहाँ पर भी जो आपको हैशटैग्स यूज करना है वो सिर्फ 3 हैशटैग्स यूज करना है, जो कि आपकी रील से रिलेटेड होना चाहिए बस। और बस अपनी रील को अपलोड कर दो और ज्यादा से ज्यादा व्यूज लेकर आओ यार। और हाँ, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो इंस्टाग्राम की ग्रोथ से रिलेटेड, और अगर और वीडियोस चाहिए हो इंस्टाग्राम की ग्रोथ से रिलेटेड, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने भी काफ़ी वीडियोस वायरल किए हैं और मैं भी काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ तो काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है, तो और वीडियोस चाहिए हो तो मुझे बता देना। 399 में मोबाइल फोटो एडिटिंग का कोर्स लॉन्च कर दिया है, नीचे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय।